हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काजल अरविंद की काजल में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप से होगे मे बी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अपनी वेडिंग के बाद आ गई हूँ फिर से ब्यूटी एंड जॉय सलोन आप लोगों से विजिट कराने। मैंने ये बताया आप लोगों से बनारस का सिग्रा में है, तो जितने भी मेरे फैंस देख रहे हैं बनारस से, प्लीज़ यहाँ आए। यहाँ का ये लोगो है ब्यूटी एंड जॉय सलोन, जो मैंने अपने ब्राइडल मेकअप में आप लोगों से दिखाया भी था। और मेरी अपॉइंटमेंट जिनसे हुई थी उनका नाम है मिस दिव्या। तो ये रही फाइनली मिस दिव्या से हाय। तो ये है दिव्या, इनसे ही मेरे सारे कॉन्टेक्ट हुआ है। बहुत अच्छा इन्होंने सर्विस दिया था और रेट भी है वो बहुत रिजनेबल प्राइस, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ से पार्लर का व्यू स्टार्ट होता है। ये एंट्रेंस है, बाहर का शूट मैं आप लोगों को देख सकते हो। यहाँ पे सारा कमरा है, यहाँ पे हर किसी को अपॉइंटमेंट के लिए ये जाता है। यहाँ भी एक क्लाइंट्स की तैयारी हो रही है। यह मैं शूसा जी, जिनसे मैं बाद में मिलवाऊंगी आप सबको, इनका सारा चीज़ मैं बताऊंगी। ये रहा कमरा सारे क्लाइंट्स के लिए। अगर आप आते हो विजिट करते हो तो सबसे पहले आपको चेंजिंग वगैरह जो भी करना होगा वो करना। ये यहाँ का रिसेप्शनिस्ट एरिया है। क्या नाम है आपका? नेहा। ये है मिस नेहा। तो आप लोग अगर कांटेक्ट करोगे इनसे तो बिल्कुल कॉल पे बात हो जाएगी। जो भी प्राइस वगैरह है वो ये लोग बता देती हैं। ये यहाँ का एंट्रेंस है जो स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं। ये रहा ब्यूटी एंड जॉय सलोन के, जो भी ब्राइडल को ये लोग रेडी किए थे, ये सब उनका डेमो है, आप लोग देख लो। काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, सर्विस बहुत अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के स्टाफ जितने भी हैं। ये आपका जब ब्राइडल का फुल लुक यहाँ पे दिखता है। इस सेक्शन में वॉशरूम वगैरह भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही मैं पूरा पार्लर का विजिट कराऊंगी। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन है। उसके बाद जब आप यहाँ से आते हो चलकर, नाउ दिस एरिया इज़ अ एंट्रेंस रूम। ये जितने भी यहाँ पे स्टाफ दिख रही हैं ये सारा, और ये है मैं घुसती हूँ यहाँ से स्टार्ट होकर कॉर्नर, सारे क्लाइंट्स के लिए कमरे। ये रहा कुछ पार्लर का व्यू जो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखाती हूँ। ये रहा पार्लर, काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, सर्विस बहुत अच्छी है यहाँ की। सो आप लोग बिल्कुल चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी एंड सिग्रा का जो एड्रेस है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो जितने भी यूपी से बनारस से देख रहे हैं प्लीज़ विजिट कीजिए इनको, बिकॉज इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि बहुत अच्छा था यहाँ का सर्विस। सो हे गाइस, फाइनली इन्होंने मुझे सर्विस दी है। आपका नाम क्या है? सुलेखा। सुलेखा, तो कैसा लगा मेरे साथ काम करके? लाइट भी आ गई। बहुत अच्छा सर्विस दी है मैम ने। मैंने क्या क्या करवाया बता दो आप। फ्रूट फेशियल। हाँ। और हैंड वैक्सिंग। हाँ। आईब्रो, अपर लिप्स। अपर लिप्स बहुत अच्छा, काफी रिजनेबल प्राइस में उन्होंने मुझे ऑफर दिया। आप स्किन भी मेरा देख सकते हो, बहुत ज्यादा ग्लोई कर दिया है मैम ने, और बहुत अच्छा सर्विस दिया है। इनके हाथ से आईब्रो बनवा के मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब आप लोग आओ तो प्लीज इन्हीं को विजिट करना। इनका हाथ इतना हल्का है मुझे पता भी नहीं चला आईब्रो जब मेरा बना, मैं इतना ज्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ। तो ऐसे प्रॉपर इन्होंने यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से सर्विस दिया और ये बहुत अच्छी है। सो थैंक यू, आप लोग मेरे यहाँ तक ब्लॉग को देख रहे हो, बिल्कुल यहाँ विजिट करना और इनसे मिलना, ये बहुत अच्छा। सो पार्लर के बाद ये बाहर का व्यू है। पार्लर से निकलकर हम लोग मार्केट की ओर चले गए शॉपिंग करने, और शॉपिंग के लिए हम लोग अच्छे अच्छे यहाँ शॉप देख रहे थे। काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड था, काफ़ी भीड़ था, इसकी वजह से हम लोग शॉप ढूंढ रहे थे। ये है बनारस का फेमस गोदौलिया मार्केट। गोदौलिया मार्केट में लड़कियों के बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स एंड वैरायटी मिल जाते हैं, जैसे सूट लाइक कुर्ती साड़ी वगैरह। तो आप ये मार्केट का व्यू देख लो, ये काफ़ी अच्छा मार्केट है। और मैं यहाँ पे तीज का साड़ी लेने के लिए आई थी, मेरे और सासू माँ के लिए तीज की साड़ी वगैरह हम लोगों को लेना था। तो मैंने कोलकाता से तो हमेशा शॉपिंग किया है, बट इस टाइम मैं सोच रही थी कि मैं बनारस से शॉपिंग करूँ। तो ये है संतुष्टि साड़ी का शॉप, ये थर्ड फ्लोर तक शॉप है, आप लोग आगे चलकर वीडियो में देखना। तो मैं वहाँ साड़ी के बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन देखी, लाइक कोलकाता से भी अच्छे अच्छे मुझे कलेक्शन यहाँ देखने को मिले थे। बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शंस था साड़ी का। थर्ड फ्लोर में ऐसे शॉप थे और हर मतलब जितने भी आइटम्स थे न्यू यूनिक आइटम्स थे। यहाँ पे मैं कैमरा नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज़ वहाँ पर अलाउड नहीं था, आप अंदर जाके कोई भी उनके कपड़े वगैरह को आप नहीं कैप्चर कर सकते, इसलिए मैंने कैमरा ऑफ रखा था। सो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।